सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर। चंद्र ग्रहण। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद ठीक इस साल का पहला चंद्र ग्रहण भी आने जा रहा, जो कि मई महीने में लगेगा। आइए दोस्तों देखते हैं इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल का समय क्या रहेगा, ये ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा, क्या यह ग्रहण भारत में भी नजर आएगा या नहीं, इसकी तिथि समय और राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। छोटे से वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। हिंदी पंचांग के मुताबिक दोस्तों 5 मई दिन शुक्रवार को इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण का समय रहेगा रात 8:45 से शुरू होगा और इसकी समाप्ति देर रात 1 बजे होगी। आइए ज्योतिषीय पंचांग से जानते हैं कि क्या इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा या नहीं और इसका सूतक काल मान्य होगा या नहीं। वैसे तो दोस्तों ये उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। ज्योतिष के मुताबिक चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये साल का पहला चंद्र ग्रहण भी भारत में पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देगा और इसीलिए भारत में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कई तरीकों से खास है ये साल का पहला चंद्र ग्रहण। खास बात यह है कि इस दिन वैशाख महीने की पूर्णिमा भी है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसे में दोस्तों कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके लिए इस साल का पहला चंद्र ग्रहण संकट ला सकता है और कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके लिए ये साल का पहला चंद्र ग्रहण बहुत ही भाग्यशाली रहेगा। आइए देखते हैं सबसे पहले कि कौन कौन सी राशियों के लिए भाग्य चमकने वाला है इस साल के पहले चंद्र ग्रहण से। नंबर 1 मेष राशि। चंद्र ग्रहण 2023 मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ साबित हो सकता है, क्योंकि इस दौरान आपके काम के प्रति दृढ़ता में बढ़ोतरी होगी, साथ ही आपके कारोबार में भी उन्नति के संकेत मिल रहे हैं। अगर आप खुद का कोई व्यवसाय काम धंधा बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको बढ़ोतरी मिलेगी। आपके जीवन साथी को भी कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। साझेदारी से किए गए व्यापार में भी बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। नंबर 2 पर आता है सिंह राशि। 5 मई को लगने जा रहे चंद्र ग्रहण का शुभ प्रभाव सिंह राशि वालों पर भी पड़ता दिख रहा है। इस समय अगर आप कोई नए काम की शुरुआत करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। साथ ही इस अवधि में न्यायिक मामलों में भी सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर आपके कोर्ट कचहरी में कोई वाद विवाद चल रहे हैं तो उनमें भी आपको सफलता मिलेगी। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और इनसे जुड़े आयोजनों में पैसे भी खर्च हो सकते हैं, इसलिए खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण जरूर रखें। अगली राशि आती है दोस्तों मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए भी ये चंद्र ग्रहण बहुत ही शुभ माना जा रहा है। इस दौरान पदोन्नति के योग बन रहे हैं। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं जॉब करते हैं तो आपका प्रमोशन होने के चांस बन रहे हैं। साथ ही कार्य क्षेत्र में भी सकारात्मक परिवर्तन यानी कि अच्छे बदलाव आपको देखने मिलेंगे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो भी ये मौका आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी बड़ा लाभ मिलेगा और ऐसे भी संकेत मिल रहे दोस्तों कि मकर राशि वाले जातक अगर अपना खुद का कोई नया व्यवसाय शुरू करते हैं तो उनके लिए भी ये चंद्र ग्रहण का समय बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। कुछ ऐसी राशियां हैं जिनको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, जिसमें नंबर 1 पर आती है वृषभ राशि। चंद्र ग्रहण का प्रभाव वृषभ राशि वालों के लिए आपसे मनमुटाव बढ़ा रह सकता है, यानी कि परिवार में कलह वगैरह झगड़ा उत्पन्न हो सकता है, तो इसीलिए आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, बिना काम किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। और इसके अलावा भी बाहरी चिंताओं के कारण आपका मन थोड़ा बहुत परेशान और हताश रह सकता है, तो ध्यान करें मेडिटेशन करें आपके लिए सलाह है। नंबर 2 पर आता है पहले चंद्र ग्रहण का कर्क राशि पर असर। कर्क राशि वाले जातकों को चंद्र ग्रहण की वजह से स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए आपके लिए सलाह है कि खान पान पर नियंत्रण रखें, बाहर का खाना हो सके जितना कम खाएं। नौकरी में बाधा आ सकती है तो यहाँ पर आपको अपने कार्यस्थल पर भी विशेष सावधानी सतर्कता बरतने की जरूरत है। आपके लिए सलाह है भगवान शिव भोलेनाथ की आराधना करें। अगला आता दोस्तों पहले चंद्र ग्रहण का कन्या राशि पर प्रभाव। चंद्र ग्रहण के प्रभाव के कारण कन्या राशि वाले जातकों को भी नौकरी और परिवार में तालमेल बैठाने में समस्या आ सकती है। हालांकि चंद्र ग्रहण का समय निकल जाने के बाद परिवार के साथ आपके लिए सुखद यात्रा के भी योग बनते दिख रहे हैं। और बाकी दूसरी राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण का प्रभाव सामान्य रहेगा। वैसे तो दोस्तों चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जैसी घटनाओं को वैज्ञानिक तरीके से समझा जा सकता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्रों के मुताबिक ग्रहण को एक अशुभ क्रिया माना जाता है और इसीलिए ग्रहण काल के दौरान आपको कुछ ऐसी बातें हैं जिनको जरूर ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि चंद्र ग्रहण के समय खाना ना बनाए, ना ही खाना खाना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान कोई पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। साथ ही घर के मंदिर के गेट बंद कर दें, पर्दा डाल देना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय आपको सोना भी नहीं चाहिए। जितना संभव हो सके भगवान का जप करते रहें। पूजा नहीं करनी, लेकिन आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और खास करके गर्भवती महिलाओं के लिए सलाह होती है कि चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, आपको ग्रहण काल के दौरान घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। और महिलाएं ये बात का ध्यान रखें, ग्रहण के दौरान चाकू कैंची वगैरह नुकीली चीजों का इस्तेमाल ना करें और किसी पेड़ पौधे को ना काटें। बहुत ही अशुभ माना जाता है अगर आप ग्रहण काल के दौरान पेड़ पौधों की कटाई करते हो तो। वैसे तो दोस्तों भारत में ये पहला चंद्र ग्रहण आंशिक रूप से दिखाई देगा उपछाया चंद्र ग्रहण के रूप में, लेकिन फिर भी भारत के कई हिस्सों में इस ग्रहण को देखा जा सकेगा। और भारत सहित एशिया के कई देशों में जैसे ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी दक्षिणी अफ्रीका, अंटार्कटिका,
आर्कटिक, प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर में भी ये चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा। वैसे आपके नाम का पहला अक्षर क्या है मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके नाम का राशिफल भी आपके मोबाइल तक पहुँचा दूंगा। इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट।